गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट जिगर त्रिवेदी, और आप देख रहे हो हॉलीडे डायरीज। आज का प्लान है नासिक जाने का, 2 दिन का प्लान है, और नासिक त्र्यंबकेश्वर और सूला वाइन कवर करेंगे, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ट्रेन। सो स्टे ट्यून्ड। हमारी ट्रेन अभी मैं पहुँचा हूँ जयशंदेरी, और हमारी ट्रेन है दादर से, दादर सेंट्रल से नासिक की ट्रेन है। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दादर, मैं हूँ अंधेरी स्टेशन पे, और मैं जा रहा हूँ दादर। एसी लोकल है, मैं आपको दिखाता हूँ, एसी लोकल है जो अभी आई है जस्ट। मैं आज इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ दादर तक। अंधेरी से दादर का एसी का पहले 50 रुपये। हम पहुँचे दादर वेस्टर्न में, और वेस्टर्न से जा रहे हैं सेंट्रल लाइन में। सेंट्रल लाइन से ट्रेन है हमारी नासिक के लिए। प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 वरील अधिकारी 120751 मुंबई विजय जयशताब्दी एक्सप्रेस ही वेळी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 10 वर अपनी थांबणार आहे। प्रवाशांना विनंती आहे, कोणीही चालत्या गाडीतून उतरण्याचा किंवा उतरण्याचा प्रयत्न करू नये। जन शताब्दी का सेकंड सीटिंग का एरिया है, कोच पुराना है, अपग्रेड करना चाहिए कोच को, सीटिंग अरेंजमेंट बराबर नहीं है। तो बुक करने के पहले आप चेक करो कि आपको इसमें जाना है कि नहीं जाना। फेयर ठीक है, 90 रुपीज़ है नासिक तक का, पर एटलीस्ट सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी देनी चाहिए। तो गुड आफ्टरनून गाइस, दोपहर के बजे है 3, और अभी हम जस्ट पहुँचे हैं इगतपुरी स्टेशन। अच्छा सा स्टेशन है, हिल स्टेशन पे है। यहाँ पे भी प्लान करता हूँ नेक्स्ट टाइम आने के लिए, कभी आता हूँ मैं, देखता हूँ, लेट्स सी। अभी क्लाइमेट गर्म है बिकॉज़ दोपहर का टाइम है, और पहाड़ों पे दोपहर को गर्मी लगती ही है। 2 मिनट का या 3 मिनट का हॉल्ट है, देखते हैं। अभी अगर क्रॉसिंग नहीं रहेगा तो ट्रेन निकल जाएगी अभी। सो आगे अभी डायरेक्ट नासिक में मिलते हैं। स्टेशन गाइस, अभी जस्ट हम नासिक रोड पहुँचे हैं। ट्रेन से 12-15 मिनट ही लेट थी। एक नंबर पे आती है जन शताब्दी एक्सप्रेस, बहुत क्राउडेड है, पूरा सब ट्रेन यहाँ पे खाली हो रहा है, देख सकते हैं आप। अराइविंग टाइम उसका था 3:35, अभी है 3:50। गुड इवनिंग गाइस, शाम के बजे 6:30, और हम आए सूला वाइन्स। एंट्री फीस है 600 रुपया वीकडेज का पर पर्सन, और वीकेंड का है 1000 रुपीज़, और उसमें से आपको 400 रुपीज़ आप वाइन शॉप में स्पेंड कर सकते हो, और 200 खाने पीने के लिए। अभी क्रिसमस के लिए पूरा डेकोरेट किया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हो लोगों जैसा कुछ बनाया है, और बाकी पूरा क्रिसमस के लिए अंदर पूरा डेकोरेट किया हुआ है उन्होंने। ये रेस्टोरेंट है रासा, इटालियन इंडियन क्यूजिन मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पूरा गार्डन जैसा बनाया हुआ है उन्होंने। चांद देखिएगा इस, यस, वाइन की बॉटल्स कम से कम 30-35 फुट की एक एक है। जैसे आप अंदर आओगे यहाँ पे साइनेजी से आप कहाँ कहाँ जाना है सब स्ट्रेट ही है, और यहाँ पे इन्होंने क्रिसमस ट्री जैसा बनाया है वहाँ का। मैं थोड़े टाइम के बाद जब भी रिटर्न आऊँगा तभी वहाँ पे आपको बताऊँगा। और एक यहाँ पे रिक्शा है जो वाइन की बॉटल लेके जा रही है, आप फोटो शूट कर सकते हो यहाँ पे आके। अभी जस्ट टूर होके बाहर निकले हैं सूला वाइन के, बताते पूरा क्या डिटेल है, कैसे बनती है। पर इन लोग जो स्टैग लेते 600 रुपया, उसमें खाली टूर और टेस्टिंग का लेते, और वो 600 रुपया तुम्हारे गए, तो एक टाइम का वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि अगर कोई नहीं, जैसे मैं नहीं ड्रिंक करता तो मेरे लिए तो 600 रुपये ऐसे ही वेस्ट हो गए वो। तो इनको ध्यान रखना चाहिए सूला वाइन्स में, और अगर आप आ रहे हो जो ड्रिंक नहीं कर रहे हो तो वेस्ट ऑफ मनी है तुम्हारे लिए।
वहाँ पे गेट पे लिखा गया है 200 रुपये फूड का, 400 रुपये टेस्टिंग का, ऐसा कुछ है, वाइन में यूज़ कर सकते हो, पर ये वे एड़ा बना रहे, वेस्ट ऑफ मनी है। तो अगर जो ड्रिंक नहीं करता है तो उसके लिए तो ये 600 रुपये वर्थ ही नहीं है। ग्रेप्स कैसे बनते हैं अब यूट्यूब कर लो, यूट्यूब पे बन जाएगा। वाइन्स कैसे बनती है सेम ही प्रोसेस रहता है सबका, तो यूट्यूब सर्च कर ले भी इससे अच्छा 600 रुपये क्यों डाले हमारा यहाँ पर। तो ये ध्यान में रखना, सुला वाइन आ रहे हो तो 600 रुपया वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हो आप आके। और टेस्टिंग के लिए भी अंदर मैं देख रहा था, टेस्टिंग के लिए मैं तो गया नहीं था, तो अंदर जो टेस्टिंग कर रहे थे वो 20 थोड़ा थोड़ा सा 5 गिलास को टेस्टिंग करा अलग अलग, और बस उतना ही है, और तुम्हारे 600 रुपया वेस्ट हो गए। बाकी तो प्रॉपर्टी बनाई अच्छी है, लुक वाइज और देखो सुला लिखा हुआ है बीच में अगर आपको दिख रहा है तो, क्योंकि ब्राइटनेस ज़्यादा है, सुला लिखा हुआ है। अच्छी बनाई है प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा फार्म है नासिक के अंदर। इसमें बताया था नासिक इसके लिए चूज़ किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे दिन में क्लाइमेट गर्म रहता है और रात में क्लाइमेट ठंडा रहता है, तो फॉर द वाइन्स और ग्रेप्स, जो ग्रेप्स है ना वो उसके लिए परफेक्टली, अगर परफेक्टली बोल सकते कि वेदर है यहाँ का नासिक का, तो इसके लिए नासिक का ही उन्होंने चूज़ किया हुआ है। बाकी बनाया बहुत अच्छा है, लाइटनिंग साथ अच्छी की हुई है, नो डाउट बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ऊपर रेस्टोरेंट है उनका, अभी 600 रुपया अगर एंट्री रहेगी तो रेस्टोरेंट तो कुछ ही अलग ही रहेगा यहाँ पे सीन, तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, और अभी यहाँ से सीधा जा रहा हूँ नासिक जहाँ पे स्टे लिया हुआ है, और फिर देखते हैं रात का, शायद से मैं सोच रहा हूँ मूवी के लिए कल त्र्यंबकेश्वर जाऊँगा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं सुला वाइन के अंदर। जैसे मैंने बोला कि अभी मैं निकल रहा हूँ नासिक के लिए, तो रोड तो अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, और अभी रात को यहाँ पे ठंडी भी अच्छी खासी है, अब भी हल्की हल्की सी लग रही है, पर रात का टेम्परेचर शायद से 12 या 14 डिग्री के आसपास जाता है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।